गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देवेश शर्मा, फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल की तरफ से आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और आपकी नॉलेज में भी वो भी बढ़ाएगा। आज के इस संकट से पूरा संसार लड़ रहा है, इस आपदा को अवसर में बदलने की हमारी ये एक अनूठी पहल है। हमारे इस पहल के चलते आप सभी को अपने घर बैठे बैठे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जिसका अनुमान पहले नॉर्मल दिलों में लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। क्या है यह पहल, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, क्या देखने और जानने को मिलेगा, ऐसे ना जाने कितने सवाल आपके अंदर उठ रहे होंगे। आपके इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं कुछ शब्द आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई कोर्स कर रहे होते हैं, मन में बस एक ही इच्छा होती है कि किसी तरीके से एक अच्छी नौकरी हम लोगों को मिल जाए। परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी मिलने की इच्छा से ऊपर उठकर कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरे को नौकरी देने वाले बन जाते हैं। जब हम पूरे फर्नीचर सेक्टर की बात करते हैं तो एक ही काम और एक ही नाम सबसे पहले सबके विचारों में आता है, वो है कारपेंटर या कारपेंट्री। और ये विचार बहुत लोगों को इस सेक्टर में आने से रोक देता है। क्यों, किस लिए? उसका कारण है इस सेक्टर की अधूरी जानकारी होना, इस सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटी है उसका अधूरा ज्ञान होना। अपने आसपास देखिए, दरवाजे की चौखट से लेकर जिस बेड पे हम सोते हैं, बैठने वाली चेयर या सोफा, या बैठ के खाना खाने वाली डाइनिंग टेबल और उन सबके डिजाइन, और जहां स्वाद का खजाना बनता है वो किचन जिसमें लगा हुआ है पूरा मॉड्यूलर सेटअप। ये फर्नीचर सेक्टर नहीं, अब एक जरूरी लाइफस्टाइल सेक्टर बन गया है। किसी के भी जब हम घर जाते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर किए हुए इंटीरियर को देखते हैं, बैठने वाले सोफे को परखते हैं, गैस के ऊपर लगी चिमनी पे नजर सबकी जाती है। कुछ ऐसा है ये फर्नीचर सेक्टर। लेकिन फिर भी इसका हिस्सा बनने में इतनी झिझक। ऊपर बताई एक एक चीज के बिना आज पूरी मानव जाति का जीवन बहुत ही बोरिंग और नीरस लगता है। ये भ्रम बहुत लोगों के अंदर है, वो जो इस सेक्टर में काम कर चुके हैं, जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वे सभी ना तो अपने बच्चों को इस सेक्टर में आने का प्रोत्साहन नहीं देते। एक सवाल उठता है, क्यों क्यों? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल की ये एक पहल है। इस पहल का नाम है स्किल्ड इंडिया टॉक शो सीजन 1। ये आपके लिए अरेंज किया गया है और इस टॉक शो का पहला एपिसोड है मैपिंग फर्नीचर मेकर्स ऑफ इंडिया। मतलब आपको मिलवाएंगे इस सेक्टर के उन दिग्गज लीडर से जिन्होंने अपने हुनर, अपनी मेहनत और अपने जज्बे से अपना नाम बनाया और ना जाने कितने लोगों को रोजगार दिया और आज भी बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन बने हुए हैं। स्किल्ड इंडिया टॉक शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लीडर्स आपसे मिलेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और अपने इंस्पिरेशन से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर राहुल मेहता से। राहुल मेहता जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन करी। FFSC ज्वाइन करने से पहले झीलों के शहर उदयपुर में एक फर्नीचर इंडस्ट्री को स्क्रैच से बनाया, जहां आज 1000 से ज्यादा लोग रोजगार पाते हैं। इन्होंने फर्नीचर इंडस्ट्री में आते हुए ऑटोमेशन को अपनी नजरों से देखा है और उसको अप्लाई भी किया है। FFSC के साथ इनका नाता वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन 2017 से जुड़ा, जब इंडिया ने पहली बार कैबिनेट मेकिंग में पार्टिसिपेट किया। FFSC में आने के बाद स्किल एम्बेसडर कैंपेन, FFSC स्किल पवेलियन और ये स्किल इंडिया टॉक शो की शुरुआत इन्होंने की। इन सब का एक ही मकसद है, वो सारे लोग जो हिंदुस्तान के स्किल सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं उनको एक साथ लाना और जोड़ना, चाहे वो ट्रेनिंग पाने वाले उम्मीदवार हों, इंडस्ट्री लीडर्स हों, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हों या फिर नौकरी पाने के इच्छुक लोग। अब हम जानते हैं कि लीडर कौन होता है। लीडर वो होता है जिसमें उसके लोगों का भरोसा हो, जो सेल्फलेस अपने साथ काम करने वाले लोगों को प्रमोट करे, जिसके लिए अपने साथ काम करने वाले लोग पहले आए और खुद बाद में, जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, लोगों को इंस्पायर करे, नए नए आइडियाज लाए
और जिससे सबका विकास में रुचि हो, क्योंकि जब एक टीम खुश होती है तो एक लीडर सक्सेसफुल बनता है। आज एक ऐसे ही लीडर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिसने भेड़ चाल को नहीं चुना और अपने सपनों का पीछा किया, उनके लिए काम किया और आगे बढ़ते चले गए। ये वो इंसान है जिन्होंने एंटीला का इंटीरियर किया। सही सुना है आपने, एंटीला। सो एवरीवन प्लीज वेलकम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्वाति इंटीरियर मिस्टर नंद किशोर मिस्त्री जी। आप सबसे अनुरोध है कि इस सेशन के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये काफी रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाला है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं और राहुल जी से अनुरोध करता हूं कि सेशन की शुरुआत करें। राहुल जी। धन्यवाद दिवेश। संडे की सुबह को सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप हम लोगों ने आपको जल्दी नहीं उठाया है और आज आपने अपने संडे का आनंद उठा पाएंगे। इस सेशन को करने के बारे में जो हमारी रीजनिंग है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, हमने ऑलरेडी आपको बताई है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बात जरूर बताना चाहूंगा जो अधिकतर हमें बचपन से सुनते आया हूँ और कई बार कही भी जाती है कि नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। बट मेरा मानना है शायद हम उससे भी ज्यादा खतरनाक एक चीज है कि हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में पता ही ना होना। अपॉर्चुनिटी पता हो और छोड़ दें तो बात अलग है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में पता ही ना हो तो फिर इंसान क्या करे। और उसी तरह के कई मौके हैं जैसा कि अभी आपको बताया गया, जो फर्नीचर इंडस्ट्री में मौजूद है, मगर हम छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है उस बारे में, इसलिए हम उसके अंदर जा नहीं पाते। एक प्री कंसीव नोशन बना हुआ है हमारे दिमाग में, मगर आज की डेट में ये प्री कंसीव नोशन तोड़ना बहुत जरूरी है, स्टीरियोटाइप्स तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी और साथ ही साथ में ढेरों लोग जो फर्नीचर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं और वो इस तरह के रोजगार की नहीं, काम की भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे देश का विकास हो सकता है। ये जानने की बहुत ही अहम बात है कि भारत सरकार ने 12 चैंपियन सेक्टर्स के अंदर में फर्नीचर को जोड़ा है जिधर वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो उसके साथ ही साथ एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होती है और हमें बहुत फायदा मिलता है। जब ये चीज बनेगी तो उसमें कार्यरत होने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होगी। कई लोग अपना लघु उद्योग करेंगे, कई लोग बड़ा उद्योग करेंगे, कई लोग सपोर्ट करने के लिए करेंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी के चलते भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब इन जानकारी को कैसे हमें हासिल करना है, कैसे हमें उसे टैप करना है और हम इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं थ्रू द ओवरऑल प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस के तौर पे, चाहे वो एक आइडिया हो, चाहे वो एक पर्पस हो, चाहे वो एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो, चाहे वो लोग जुड़े हुए हैं जो उसके साथ में, चाहे जो अवसर क्रिएट हो रहे हैं। तो उन सब चीजों के बारे में, उन सब विषयों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में है नंद किशोर मिस्त्री जी, जो कि MD हैं स्वाति इंटीरियर के। बहुत बहुत स्वागत नंद किशोर जी आपका। आपने आपसे मुलाकात खास तौर पर तो बहुत पुरानी है, 2013 से शुरुआत हुई थी जब हम पहली बार मिले थे इनसे, लेकिन इनकी फैक्ट्री देखने का मौका मुझे मिला था गत दिसंबर के अंदर में, जहां हमने बहुत चर्चा करी और हमने जाना कि किस तरह से इन्होंने अपने सफर की शुरुआत करी थी, जो आज 25 से 30 साल हो गए हैं उसको, और आज थर्ड जनरेशन चल रही है और किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम उस बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि क्या कार्य करते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहेंगे और किस तरह का कार्य से सब इंडिया ही नहीं, देश भर में और विदेश में भी नाम कमा रहे हैं उसका आपको एक अंदाजा लग सके। तो कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। श्योर राहुल। देवेश हेडफोन्स आपको शायद हटाने पड़ेंगे साउंड के लिए। साउंड मिसिंग है, कैन वी प्ले द वीडियो अगेन।
धन्यवाद देवेश। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं नंद किशोर मिस्त्री जी के पास में, जो अभी फिलहाल हमें ज्वाइन करे हुए हैं। इनका काम देश विदेश में फैला हुआ है, फिलहाल ये दुबई से हमें ज्वाइन करे हैं। धन्यवाद नंद किशोर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें बहुत खुशी है कि आप साथ ही साथ FFSC की इस मुहिम में भी शामिल हुए हैं। अब मैं आपको बागडोर थामना चाहूंगा इस क्वेश्चन के साथ में कि शुरुआत शुरू से की जाए और हमें बताएं कुछ अपने बारे में और कुछ फाती इंटीरियर्स के बारे में, जो हमने अभी काम देखा है और जो हमने काम समझा है कि आप हाई एंड इंटीरियर्स का भी काम करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स भी करते हैं और आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को लाइफ देते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कैसे होता है ये सब और कैसे आपने जर्नी शुरू करी, प्लीज उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और जो ऑर्गेनाइज करने का जो मेन लक्ष्य है वो जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि वो अपना फ्यूचर और करियर कैसे बना सकते हैं। जितनी भी बातें आपने बताई और जो बातें बताई, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। जैसे आज एक फर्नीचर इंडस्ट्री है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि हम कहाँ पे, हम आज इंडिया में जितना भी काम कर रहे हैं बट आगे और बढ़ने के लिए और क्या स्कोप है, कितनी ऐसी कंपनीज है जो किस लेवल पे आज खड़ी है और किस लेवल पे किस तरह से प्रोडक्शन कर रही है, और उनके यहाँ पे जो काम करने की जो जितने भी लोग काम करते हैं उसमें ना सिर्फ कारपेंटर बट बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स जुड़े हुए होते हैं, MBAs होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, फर्नीचर डिजाइनर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्चर, मतलब इट्स बहुत बहुत बड़ी ओपनिंग है इंडस्ट्री के अंदर। तो आई थिंक सबसे पहले सबको वेलकम करूंगा कि ये शो पे सब लोग हाजिर है और वो भी ये चीज को समझे। स्वाति इंटीरियर, हम लोग जैसे बोलते हैं कि एक पीढ़ी से काम कर रहे हैं, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी उस जमाने से, मतलब हम इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो हमने कोई एजुकेशन नहीं लिया है और हमने सिर्फ हमारे हमारे दिमाग से और हमारे टैलेंट से जो जो हम सीख सके वो हमेशा हमने मतलब आगे से आगे सीख के हमने, और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे इंडस्ट्री में जो एक झोला लेके अपने गांव से शहर आए, यहाँ पे काम किया और यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप किया और आज सक्सेसफुल है सब लोग। तो ऐसे जो आज हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाले भी वो हमारे जो फादर्स है, उनकी मेहनत बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो स्वाति इंटीरियर एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हमने मेरे पिताजी ने शुरू की है काफ़ी अराउंड 40 इयर्स पहले, और उसके बाद हम काफ़ी साल तक कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्टिंग से फिर धीरे धीरे हमने इसको थोड़ा और, क्योंकि हमारे जो स्किल्ड लोग हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं साइट के ऊपर, तो कारपेंट्री देखते हैं बट कोई भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक कारपेंटर सुपरवाइजर होता है वो 90% पूरा जॉब मैनेज करता है, चाहे वो सिविल हो, POP है, उसको लाइन देना, उनको मार्किंग करना, उस तरह के जॉब करते हैं। तो उनकी जो ऑलरेडी टैलेंट होती है कि वो एक जॉब को मतलब एक हैंडल कर सकते हैं, बड़े जॉब को और हर फील्ड के जॉब को वो मैनेज कर सकते हैं। उनको सिर्फ सही कारीगर मिलने चाहिए कि ये कारीगर को ये काम दिखाना है उसके बाद। तो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे हमने कारपेंट्री से इसको हमने ट्रंकी कॉन्ट्रैक्टिंग के हिसाब से शुरू किया। उसके बाद जैसे हम चैलेंजेस फेस कर रहे थे सिटीज के अंदर कि काम करना एक मुश्किल समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से टाइमिंग इश्यूज होता था, तो हमने धीरे धीरे एक वर्कशॉप से शुरू किया। वर्कशॉप से फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक फैक्ट्री लगाए, और जब हमने फैक्ट्री लगाई तो उसके बाद हमने सोचा कि हम क्यों ना हम फर्नीचर के कलेक्शंस बनाए, फर्नीचर की लाइन बनाए। तो ऐसे धीरे धीरे हम हमारे खुद के दिमाग से जो हमको गाइडलाइंस अपने इंटरेक्शन से मिलते थे आगे से आगे हम अभी जो आपने वीडियो प्ले किया वो एक मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने अराउंड 40 डिजाइनर्स के साथ काम किया और 40 डिजाइनर्स को हमने थीम दिया कि आप
राजस्थान का जो कल्चर है जड़ाव आर्ट, उसको आप इनकॉर्पोरेट करो। तो आपने अभी जितने भी पीसेस देखे उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ एक आर्टिसन है। तो ये करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम फर्नीचर मॉडर्न लाइंस पे बना के उसके अंदर जो हम इंडियन ट्रेडिशनल टच देते हैं तो उसका निखार कुछ और होता है। और मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी आप देखेंगे बहुत सारे फर्नीचर लाइंस, आप देखेंगे कि जो उनकी इंस्पिरेशंस है वो इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। तो ये एक लाइन थी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट दिया था डिजाइनर्स को और उन्होंने एक डिजाइन बनाई और उसके बाद हमने वो कलेक्शन बनाया जो मेरे ख्याल से काफी लोगों का अप्रिशिएटेड था। महाराजा गज सिंह जो उम्मीद भवन के जो महाराजा थे उन्होंने वो शो को खुद इनॉग्रेट किया और एक एक पीस को उन्होंने देखा और उनको समझा, जिसके अंदर हमने बहुत सारे राजस्थानी कल्चर आर्टिस्ट उसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किए थे। नंद किशोर जी, मैं आपने बात कही उसमें से एक बात पे सवाल पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी पता पड़े कि वो ट्रांजिशन कैसा रहा। आपने बात कही कि कॉन्ट्रैक्टिंग से चालू हुई और अधिकतर मैं जहाँ तक समझता हूँ लोग वहीं तक जान के पहलू रह जाते हैं और हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है, चाहे कॉन्शियसली किया हो चाहे सबकॉन्शियसली किया हो। जब हम बड़े हो रहे थे कोई ना कोई कारपेंटर घर पे आया है, उसने घर का काम किया है, और अमूमन अगर आज की डेट में भी कहा जाए तो सब यही मानते हैं कि भाई फर्नीचर इक्वल टू कारपेंटर। हालांकि पिछले 5 से 10 सालों के अंदर में काफी कुछ चेंज आया है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन साइड वर्क से फैक्ट्री की तरफ आ रहे थे तो क्या मेन कारण रहे थे और क्या चेंजेस और बदलाव आए जो आपको अपने काम में अपने वर्किंग स्टाइल में करना पड़ा है, या फिर उस तरह से जो एक कोर प्रोफेशन कारपेंटरी बोल के आपको और क्या क्या नए प्रोफेशन खुल गए, ताकि सुनने वालों को भी ये पता पड़े कि भाई फर्नीचर इंडस्ट्री में किस तरह से और अभी अलग अलग जॉब रोल्स हैं और रिक्वायरमेंट जनरेट होती है और वो ट्रांजिशन कैसा रहता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आज शायद अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग खुद भी कर रहे हैं बट वो ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो किचन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ग्रो करना चाहें, चाहे वो किचन का ही इंस्टॉलेशन की तरफ ग्रो करना चाहें, या फिर और भी अलग अलग तरह के कार्य करना चाहें। तो वो जर्नी के बारे में और उसके ऊपर में आपका कैसे चैलेंजेस रहे, कैसे फेस किया और क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं। आई थिंक जर्नी इतनी मुश्किल नहीं थी, काफ़ी स्मूथ था बिकॉज मेरे फादर की ब्लेसिंग थी और उनका हमेशा मेरे ऊपर भरोसा था कि मतलब कौन सी लाइन में चूज़ कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो उनकी गाइडलाइंस भी हमेशा रहती थी और उनका सपोर्ट मिलता था। और दूसरा, जो हमारे कम्युनिटी में जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी इतने टैलेंटेड है कि आप उनको एक बार कोई चीज़ बताओ तो वो बहुत जल्दी उसको पिक कर लेते हैं। जैसे मैं काम करता था, जब मैंने खुद हाथ से काम करना शुरू किया था तब मुझे जो मिस्त्री के नीचे मैं काम करता था भगवान जी करके थे, वो मेरे को हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि तू एक काम कर, मार्किंग करना सीख ले। तो हमारे कार्पेंट्री लैंग्वेज में बोलते खिसाई। तो जब आप अगर खिसाई कर सकते हो ना तो आप पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें जब भी हम इंडस्ट्री जैसे फैक्ट्री शुरू की तभी हम लोग ने Did we lose him? Yeah, I think lack हो गया था बीच में। तो जो जो मार्किंग और जो खिसाई, पहले कुछ कारीगर ऐसे थे जो अपने दिमाग से एक कबर्ड का पूरा मेजरमेंट अपने दिमाग से कैलकुलेट करते थे और सामने वाले आदमी को पूरा मेजरमेंट देते थे कि ये मटेरियल बना ले, वो एक दिमाग था। तो वो दिमाग को हमने कंप्यूटराइज कर दिया नई जनरेशन के लिए, एक मोड ऑफ वर्किंग कर दिया कि इसको ऑटोकैड में पहले आप कारपेंट्री सीखो, फर्नीचर बनाओ, उसके बाद आप मार्किंग हाथ से करना सीखो और उसके बाद आप उसको ऑटोकैड में बनाना सीखो। तो ये सिर्फ जॉइनरी नहीं, हम पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे पहले हम लोग लाइन आउट मार्किंग जो बोलते हैं खिसाई, ये हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपके लिए कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी जॉब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सुनने वालों से मेरा यही कहना रहेगा, जो कि बात अभी हमारे नंद किशोर जी ने भी बताई है,
कि जैसे शुरुआत है वो बुनियादी तौर पे होना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। कहा केवल एक इनके सीनियर मिस्त्री से इन्होंने जो सीखा कि भाई एक मार्किंग को ही मेन चीज पकड़ते हुए शुरुआत करिए और उससे कहां से कहां आज पहुंच गए, ऐसी एक जर्नी है कहां से कहां पहुंचने की। जो कहते हैं कि अगर जैसा बताया भी गया कि भाई लीडर के साथ में टीम भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, ऐसे ही एक होनहार इंसान है जो जिनका नाम है मांगीलाल जी, जो कि नंदकिशोर जी के साथ में काफी अरसे से जुड़े हुए हैं और उनकी कहानी वो खुद ही सुनाए, हमने उन्हें रिकॉर्ड करके यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। नंदकिशोर जी आप कुछ बताना चाहेंगे ताकि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। आई थिंक कुछ लोग दो जनरेशन से काम कर रहे हैं, कुछ तीन जनरेशन से काम कर रहे हैं। आई थिंक मांगीलाल जी का जो वीडियो आप प्ले कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमारी फैमिली से 40 साल से जुड़े हैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था 40 साल से। हाँ जी प्लीज प्ले। तो देवेश प्लीज जरा वीडियो प्ले किया जाए और वॉइस साउंड पे जरा चेक करा जाए। Rog, this is the maximum sound which I can fetch from my laptop. Otherwise, I can try playing it from my side. Ours clear hai? Devesh, let me try playing it from my screen. मुंबई स्थित रिलायंस नेशनल हेडक्वार्टर
ऑफिस प्रोजेक्ट में रिलायंस एमडी मुकेश अंबानी के घर एनटीएफ प्रोजेक्ट को वर्ष 2007-2011 तक साथ में पूर्ण करने का मौका मिला। एनटीएफ प्रोजेक्ट करने के दौरान मुझे पारंपरिक तकनीक से हटकर कुछ नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली, जैसे कि कैसे ऑटोग्रेड या अन्य सॉफ्टवेयर से ड्राइंग बनाकर उसकी पार्ट लिस्ट बन जाती है, कैसे पूरा तकनीकी काम ऐसे सॉफ्टवेयर पर आसानी से हो जाता है। इसके अलावा विदेशों से आए कारीगरों व तकनीशियनों के काम करने के तरीके एवं उनके द्वारा किए गए तकनीकी उपयोग से कैसे अपने काम को आसानी से पूर्ण करते थे, ये सब देखकर मेरे मन में प्रेरणा स्वरूप कई सवाल आए कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट संपन्न होने के तत्काल मैंने अपनी कंपनी के श्री नंद किशोर मिस्त्री के साथ सिलवासा फैक्ट्री जाने का मन बना लिया। आज उसी प्रेरणा स्वरूप हम अपने प्रोजेक्ट के फर्नीचर पैनल में कोई भी वुडन आइटम फैक्ट्री से पॉलिशिंग फिनिशिंग के साथ साइट पर भेजते हैं और बड़े ही आसान तरीके और कम समय में साइट पर पिच करते हैं। स्वाति ईंटे के परिवार से 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में सिलवासा फैक्ट्री में अपनी कार्य यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखा और वर्तमान में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ। वैसा देश के आगे प्रोडक्शन आर्टिस्ट भी रेडी करता हूँ। इसके साथ ही हम यहाँ हर दिन नई फर्नीचर डिटेल को नई तकनीकों द्वारा कैसे पूर्ण करें इस पर विचार विमर्श करके आगे की योजना बनाते हैं। स्वाति के साथ काम करने का मेरा अनुभव यही रहा है कि यहाँ हम हर कार्य में उस गुणवत्ता फिनिशिंग का कार्य कम से कम समय में पूर्ण हो, इन बातों का हम बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ हम निरंतर दैनिक डिटेल में दैनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कार्य कम से कम समय में पूर्ण हो। मेरा इस कंपनी से काफी पुराना रिश्ता है, यहाँ सभी स्टाफ आदर समाज के साथ एक दूसरे से अच्छा तालमेल बनाकर कार्य करते हैं जो सुखद अनुभव है। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में किसी भी कार्य में पढ़ाई व शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा ही हमें नए नए कार्य सीखने को प्रेरित करती है। इस फर्नीचर इंडस्ट्री में नए काम सीखने वाले युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वे अपने कार्य में अच्छी गुणवत्ता, अच्छी फिनिशिंग, नई तकनीक, इन सबको अपने कार्य में महत्व दे। फर्नीचर कार्य सीखने वालों व साथ ही पढ़े लिखे युवाओं के लिए फर्नीचर इंडस्ट्री में उज्जवल भविष्य में अपार संभावना है। पढ़े लिखे फर्नीचर का इंडस्ट्री के आगे बढ़े। नमस्कार। बहुत ही एक्सपीरियंस की बात और बहुत ही बहुत सारे टेक अवेज थे इनके मैसेज के अंदर में। मतलब जैसा कि देखा जा रहा है उन्होंने शुरुआत वहां से करी जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता, और कहां से उन्होंने एक चीज जो नहीं छोड़ी पूरी जर्नी के अंदर में वो था लर्निंग स्पिरिट। उन्हें जब कोई नया चैलेंज दिखा उन्होंने उसके बारे में सीखा समझा और वो आगे से आगे बढ़ते चले गए और आगे से आगे नए नए पायदान पे जाते चले गए। मतलब आज की डेट में हम कई बार बोलते हैं कि हमने एजुकेशन नहीं करी, हम ड्रॉप आउट हो गए इसलिए हम ये नहीं कर सकते, हमें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, बट आई थिंक सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज डेफिनेटली अ वे। एंड मांगीलाल जी हैज बीन एन एग्जांपल ऑफ शोकेसिंग कि आप को अगर चाह है तो आप कहीं ना कुछ नया सीखते सीखते आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टेक अवे दैट आई फील फ्रॉम हिज मैसेज इज कि आप जो डायनेमिज्म की बात कर रहे हैं आज की डेट में हम जो बोल रहे हैं, जो कुछ दिन पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाते समय भी देश के दिग्गजों ने बात कही, प्रधानमंत्री ने भी कही कि आज की डेट में केवल हम एक ही हुनर पे लाके टिक जाएं और सोचेंगे कि पूरा जीवन चल जाएगा, वो समय चला गया है। शायद हमें नई नई चीजों को जानते रहना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखते रहना पड़ेगा और नई नई अपॉर्चुनिटी को टैप करते रहना पड़ेगा। नंद किशोर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये इस सेक्शन को हम कह रहे हैं बस्टिंग द मिथ्स, कि कई ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि फर्नीचर इक्वल टू कारपेंटर, जबकि या फिर फर्नीचर इंडस्ट्री मतलब केवल कारपेंटरी तक ही जुड़ी हुई है और नए नए आयाम इसमें नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अधिकतर लोग हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड है कंट्री में, इंजीनियरिंग कर ली है या एमबीए भी कर लिया है मगर वो नौकरी नहीं पा पा रहे और वो ये बंदिश में रह जाते हैं दिमाग में कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता या वो काम नहीं कर सकता, जबकि आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी क्रिएट हो रही है। और
साथ ही साथ अगर हम कारपेंट्री का एक परसेप्शन देखा जाए तो इसे बहुत हमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही करेगी ऐसा सोचते हुए माइंडसेट कर लिया है, जबकि अराउंड द वर्ल्ड जब हमने विजिट किया है, देखा है, जाना है, तो कारपेंट्री के ऊपर में भी उतने ही बड़े बड़े करिकुलम और कोर्सेज हैं, जैसे कि आज हमारे लिए डॉक्टरी के लिए है, लॉ के लिए है या फिर MBA के लिए है। तो इस विषय में आप हमें कुछ और जानकारी दें और बताएं कि किस तरह से आज की युवा पीढ़ी या आज की जो जनता अनएम्प्लॉयड बैठी हुई है वो इस फील्ड में भी अपने प्री कंसीव नोशन को छोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ सकती है और कहां से शुरुआत कर सकती है। उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिला है आज के अटेंडेंस को लेते हुए। जो लोग जूम के जरिए नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, प्री रजिस्टर्ड नहीं थे, वो प्लीज फेसबुक लाइव के थ्रू ज्वाइन करें और आप ये गुफ्तगू का और इस डायलॉग का आनंद उठा सकते हैं वहां पर। सो प्लीज ज्वाइन अस थ्रू द फेसबुक इंस्टेड ऑफ जूम इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन। प्लीज नंदकिशोर जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जैसे मांगीलाल जी का आपने बताया, तो मांगीलाल जी का मैं मेरे पूरी कंपनी में जितने भी नई जनरेशन है उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एज पे जो मतलब से 50 साल की उम्र में एक उस टाइम पे वो एक इंस्पिरेशन होता है कि मुझे ये सीखना है, मतलब एक ये होता है कि मुझे ये सीखना है और मुझे ये करना है। और उन्होंने एट द एज ऑफ 50 उन्होंने ऑटोकैड सीखा। तो मैं मेरे पूरे कंपनी में जितने भी यंग जनरेशन है मैं उनको हमेशा उनका ही एग्जांपल देता हूँ कि आप देखो वो जब सीख सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं सीख सकते हो। भले आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपको काम आता है ऑटोकैड में लाइन बनानी है, थोड़े वर्ड सीखने हैं और सीखो। तो ये हमेशा उनके बारे में बोलते रहता हूँ। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या कारपेंट्री कम्युनिटी ही इस जॉब को कर सकती है, तो मेरा हमेशा से एक सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रहती है। हमेशा जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ये जो स्किल है क्यों ये हमारी कम्युनिटी को क्यों इतना क्लोज है, क्योंकि वो बचपन से वो चीज़ देखते हैं, वो बचपन से वो चीजें देखते हैं, काम हो रहा है, उनके पिताजी काम कर रहे हैं, काफी सारे ऐसे कारपेंटर हैं जो घर बैठ के भी वो लोग बचपन से काम करते हैं, छोटे होते हैं तभी भी कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इसके बारे में सोचें कि स्किल को एजुकेशन में आप कैसे ला सकते हो। आप बचपन से अगर समझो 8th स्टैंडर्ड से अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में आप ये सारी चीजें आप इनपुट कर दो, जो भी स्टूडेंट है वो सिलेक्ट करे कि मेरे को ये काम सीखना है या ये सीखना है, या एक क्लासरूम जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री की जगह पे आप कारपेंट्री पढ़ाओ या मैकेनिकल पढ़ाओ या इलेक्ट्रिकल पढ़ाओ, कुछ ना कुछ स्किल के रिलेटेड आप स्कूल से अगर आप शुरू करोगे तो बचपन से वो जो स्किल डेवलप होगा स्टूडेंट्स का वो आगे जाके वो कोई भी आदमी कुछ कोई भी फील्ड चूज करके वो काम कर सकते हैं आगे। तो हमारे कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग क्यों है इसके अंदर, इसका ये सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बचपन से चीज देख रहे हैं और वो चीज को पकड़ भी जल्दी लेते हैं। कोई भी चीज को बनाना है तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। आज क्यों बोलते हैं कि कारीगर राजस्थान से सबसे अच्छे क्यों है, क्योंकि वो बचपन से उनके गांव में घर में वही काम कर रहे हैं। सो अगर ऐसा माना जाए और ऐसा समझा जाए आपकी बात से, तो ये स्किल एक्वायर करना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर हम इसके ऊपर लगे रहें और हम इस पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ें और ढंग से काम करें तो हम इस स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि हम एक छोटी उम्र से अगर इसके बारे में जानकारी हासिल करें, चाहे वो कोई भी स्किल हो फॉर दैट मैटर, आई एम श्योर नई एजुकेशन पॉलिसी भी स्किल डेवलपमेंट पे काफी फोकस करती है और वो इसे एक अल्टरनेट सब्जेक्ट की तरह भी प्रोजेक्ट कर रही है, तो शायद हमारा बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये बदलाव आ सके। तो दोस्तों सुनने वालों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल को हम जरूर अडॉप्ट करें। वो एक ड्राइंग बनाने की स्किल हो सकती है, वो एक लकड़ी काटने की स्किल भी हो सकती है। केवल लकड़ी काटना या लकड़ी जोड़ने वाली बात नहीं है, ये आप एक क्रिएट कर सकते हो, आपके हाथ में एक पावर है कि आप कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। आज मशीन ऑपरेशन के अंदर में कई तरह के जॉब रोल्स हैं, कई तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर में इंसान सीख पा रहा है और उधर में हमें सही काम करने वालों की और सही समझ के साथ काम करने वालों की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए तो जैसे हम ऑटोमोबाइल के अंदर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में शॉप फ्लोर पर काम होता है, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह काम करते हैं, अलग अलग तरह के ऑटोमेशन इंजीनियर वगैरह काम करते हैं, उसी तरह से आज फर्नीचर के शॉप फ्लोर पर भी इसकी बहुत जरूरत है।
इसी का एक लाइव एग्जांपल लेते हुए हम आपको एक और स्टोरी तरफ ले चलते हैं, जो कि है छेलू राम जी की, जिन्होंने पिछले 10 से 12 साल हो गए हैं उन्हें वो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं स्वाति इंटीरियर्स के साथ में। थोड़ा नंदकिशोर जी और बताएं इस बारे में, फिर हम छेलू राम जी की वीडियो बनाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब काम करते करते मेरे पास आते हैं कि मेरे को ये सीखना है, तो वो आप है ना, वो उनके आंखों में वो चमक देख सकते हो कि मुझे ये सीखना है, तो ऐसे बच्चों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कौन सी कम्युनिटी से है या क्या कम्युनिटी है, बट कुछ लोगों की चाह होती है बचपन से, उनको उनको ये होती है कि मुझे ये काम सीखना है। बहुत ही उम्दा विचार के साथ में मैं छेलू राम जी का वीडियो प्ले करना चाहूंगा। छेलू राम जी का दोस्तों ध्यान दें कि ये लोग प्रोफेशनली टॉक शो पे स्पीकर्स नहीं है, इन्होंने बहुत मेहनत करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर हमें भेजा है। नमस्कार, मेरा नाम छेलू सिंह, उम्र 30 साल, गांव श्री बालाजी, जिला नागौर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से 9वीं कक्षा तक ही कर पाया। मेरी रुचि शिक्षा को आगे जारी रखने की थी, किंतु एक किसान परिवार से आने के कारण और संसाधनों के अभाव में इसको आगे बढ़ाने का अवसर नहीं मिला। मेरे चाचा जी गांव के श्रोता समाज के लोगों के साथ अक्सर फर्नीचर का काम करने के लिए बाहर जाया करते थे। चाचा जी को देखकर मेरा भी इस कार्य से जुड़ने का मन हुआ। इसी दौरान साल 2008 में मेरी मुलाकात स्वाति इंटीरियर सिलवासा स्थित फैक्ट्री में कार्यरत ओम प्रकाश जी से हुई। उनके साथ हेल्पर की भूमिका में मैंने फर्नीचर का कार्य और स्वाति इंटीरियर से जुड़कर अपने करियर की शुरुआत करने का अवसर मिला। शुरुआती 2-3 साल में मैंने एक हेल्पर के रूप में कार्य किया, इसके पश्चात एक सक्षम कारीगर बना और मुझे स्वाति इंटीरियर में विदेशों से आई हुई मशीनरी जैसे पैनल सो, एज बैंडिंग, ड्रिप ऑटो ड्रिलिंग मशीन आदि ऑपरेट करना तथा सीखने का अवसर मिला। अगले 2-3 साल तक मैंने इन मशीनों पर ऑपरेटर के रूप में कार्य किया। इसी दौरान स्वाति इंटीरियर के MD नंदकिशोर मिस्त्री जी ने मेरी रुचि को सराहाया और मुझे ऑटोकैड कोर्स करवाया और CNC मशीन सीखने का अवसर दिया। उनके सपोर्ट से YouTube पर RTM सॉफ्टवेयर सीखा और अगले 2-3 साल में पूरी तरह CNC मशीन ऑपरेट करने लगा और अभी एक प्रोफेशनल की तरह CNC मशीन ऑपरेट करना, प्रोग्रामिंग करना, 3D डिजाइनिंग करना काम कर रहा हूँ। पिछले 12 सालों से स्वाति ग्रुप से जुड़ा हूँ। यहाँ पर सब लोग एक परिवार व एक टीम की तरह रहते हैं और काम करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी बात स्वाति के MD नंदकिशोर जी जो सबको एक समान समझते हैं, चाहे हेल्पर हो या सुपरवाइजर, सबको कार्य करने की सराहना करते हैं और हमेशा नया सीखना तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अभी हमारी कंपनी एडवांस सॉफ्टवेयर पर कार्य हो रहा है और विदेशों से नई नई मशीन ऐड हो रही है, जिसका कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ आसानी से समय पर पूरा हो जाता है। फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए नई तकनीक, नई विदेशी मशीन तथा एडवांस सॉफ्टवेयर सीखकर अपने आने वाले समय को उज्जवल बना सकते हैं। इसी लाइन में आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने हेल्पर लेवल से प्रोफेशनल CNC ऑपरेटर तक का सफर तय किया और अभी अपने सीनियरों से रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। नमस्कार। आई थिंक ये सीखना और सिखाना जर्नी हमेशा पैरेलली चलते रहना चाहिए। इसी से सीखने और सिखाने की जर्नी से लेके मेरा अगला सवाल है आपसे। जो हम लर्निंग की बात करते हैं, ये काफ़ी एक ऑर्गेनिक वे में होती आई है, जो हम देखते आ रहे हैं कि क्योंकि कोई फॉर्मल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग नहीं था, कोई फॉर्मल स्कूल ऑफ एजुकेशन नहीं था, ITIs वगैरह रही हैं, बट इतना इम्पैक्ट उसका रहा नहीं कि लोगों को इंटरेस्ट बने कि नहीं हम इसको मेन स्ट्रीम ज्वाइन करें या जा सके। तो ये लर्निंग का जो कर्व हो जाता है उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है और इंसान जब अनस्ट्रक्चर्ड वे में सीखता है तो उसकी बंदिश हो जाती है, सिखाने वाला भी अपना काम करते करते इतना सिखा पाता है। तो क्या आपको लगता है कि इससे बिजनेस केस बनता है कि हम अगर ग्रो करना चाहते हैं, आज हम बात कर रहे हैं भारत एक विश्व में यू नो टॉप देश बन सके, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर सके, आगे बढ़ सके, इकोनॉमी आगे बढ़ सके, तो क्या इस स्पीड की ट्रेनिंग के साथ में हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में इसको अप्रोच करना चाहिए? और इसके रिलेटेड आपका क्या सोच है, क्या आपकी समझ है और क्या आप इसके आगे विचार रखते हैं, वो थोड़ा हमें हमारे साथ साझा करें।
राहुल 100% आज हमारी कंट्री में हम वर्ल्ड लीडर फर्नीचर इंडस्ट्री में बन सकते हैं. इंस्पिरेशन को लेके प्रोडक्शन तक अगर हमारे हमारे कंट्री में जो प्रोडक्ट डिजाइनर्स है वो अगर आगे आते हैं और हर इंडस्ट्री एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करे. अभी हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो उसके रिलेटेड काम करते हैं, या मतलब हम एक कस्टमर हमको प्रोडक्ट का डिज़ाइन देते हैं और उसको हमको बनाने को बोलते हैं. बट अगर एक इनोवेशन अगर ये लाइन में ऐड करते हो आप तो हम डेफिनेटली एक वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं. अच्छे डिज़ाइनर क्यों ना आप इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को भी अपॉइंट करिए आप, या अपने इंडिया में जो टैलेंट है उनको भी आप अपॉइंट करिए. और ये इनोवेशन हर एक इंडस्ट्री को साल में कम से कम 5 ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, भले वो उसको सेल कर पाए या नहीं कर पाए, बट उसको स्लोली एंड स्टेडीली एक कलेक्शन बनाना चाहिए. जो जो मिसिंग है हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री में मोस्टली इनोवेशन है. तो आई थिंक अगर आप वो ऐड करो तो हम डेफिनेटली वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं. इसमें आपने जब स्किलिंग के बारे में बात करें तो अगर हम वर्ल्ड लीडर बनने की बात करते हैं, हमने वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन्स के अंदर में पार्टिसिपेट करना चालू किया है, हमने वहाँ के लेवल देखे हैं, तो वहाँ पर जैसा हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, बहुत ही छोटी उम्र से लोगों को इसके साथ एक्सपोज कर दिया जाता है कि काम का अच्छा है बुरा है वो उस तरह से समझ नहीं, बट काम क्या है उस तरह से समझ लोग लेते हैं और वो आगे उस चीज़ को परस्यू कर पाते हैं. तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में जो हमने आपके साथ में बात शुरू पहले भी करी थी कि स्किलिंग का जो एक स्कोप है और एक स्किलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है आज हमारे पास में, तो उसको लेते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरह से आगे कार्य किया जाना चाहिए, या फिर क्या इंडस्ट्री उसके अंदर सपोर्ट कर सकती है, किस तरह से लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, और आप क्यों फिर FFSC के इस इकोसिस्टम के साथ में स्किल इकोसिस्टम के साथ जुड़ने का आपका क्या रीजन रहा, ताकि जो हमारे इंडस्ट्री के भी लोग सुन रहे हैं उनको भी एक अंदाजा मिले कि क्या आज इस मुहिम के साथ में हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक स्किलिंग के अंदर भी गुड लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है. हम जो पैनल में जो हम 8 लोग 10 लोग जो हम हैं, अगर हम मिलके ये चीज़ को अगर हम लेवे कि इसको हम आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली हम ये चीज़ को स्ट्रांगली कर सकते हैं और हर साल अच्छे खासे स्टूडेंट्स तैयार करके इंडस्ट्री को दे सकते हैं. अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करने की बात से ही मैं एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. ये है स्टोरी श्याम जी की, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया है कि किस तरह से अलग अलग स्किल्स को एक्वायर करने से उन्हें फ़ायदा हुआ है, उन्होंने कहाँ से चालू करी थी काम और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और उनकी जर्नी को शेयर करते हुए हम सेगमेंट के अगले सेगमेंट पर जाएंगे, विच इज़ अबाउट कैरियर एंड बिजनेस काउंसलिंग, जहाँ कैसे एक्सपर्ट्स मिलकर इस चीज़ों को आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे FFSC के माध्यम से आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, हम उस बारे में भी बात करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको श्याम जी की तरफ, और श्याम जी क्या कहना चाहते हैं वो बताना चाहूंगा. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम सुंदर सुथार और मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकानेर कॉलेज से किया है और उसके बाद उदयपुर सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट में किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने PhD करने का प्लान किया, बट मेरी फैमिली सिचुएशन कुछ क्रिटिकल थी, उस वजह से मैंने आगे पढ़ाई न करना ही उचित समझा, और उसके बाद मैंने बॉम्बे जाने का प्लान किया, कुछ बॉम्बे जाके कुछ करें, और 2003 में मुंबई में आ गया, और मुंबई आने के बाद मैं अपने आर्ट फील्ड के लोगों के साथ काफ़ी आर्ट वर्क प्रोजेक्ट किए मैंने, जैसे ड्राइंग पेंटिंग कैनवास पेंटिंग म्यूरल्स एंड स्कल्पचर्स, और कुछ फोटोशॉप पे एडिटिंग डिजाइनिंग वर्क का काम किया काफ़ी सारा मैंने, और उसी टाइम में मैं सोलो एग्जीबिशन भी करके आया कुछ अलग अलग सिटीज में, ग्रुप शो भी मैं करके आया जैसे जयपुर बॉम्बे उदयपुर नागपुर, और इसी दौरान मेरी मुलाकात स्वाति इंटीरियर के श्री सूरजमल जी मिस्त्री से हुई, उन्होंने बताया कि हम डिजाइनिंग फर्नीचर में कुछ एग्जीबिट करने का प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का काफी काम है और इन सब का प्रोडक्शन सिलवासा फैक्ट्री में होने वाला है,
और इस प्लानिंग की जानकारी मिलने के बाद मुझे लगा कि एज ए आर्टिस्ट एज ए क्राफ्टमैन के लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है और यहीं से वर्ष 2009 से मैं स्वाति इंटीरियर कंपनी से जुड़ गया। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मैं बचपन से आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा और इसी वजह से मैंने आर्ट एजुकेशन भी ली, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि मैं आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक कारपेंटर फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ और बचपन में इस काम को बहुत ही बारीकी से नजदीक से मैंने देखा है और थोड़ा बहुत मेरे पापा के साथ मेरे फैमिली मेंबरों के साथ आज से काम भी किया है। स्कूल की छुट्टियों में हम लोग महीने दो महीने के लिए मैं काम करने जाया भी करता था और ऐसे करके थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरा कारपेंट्री फैमिली का एक प्रभाव था मेरी लाइफ में और वो हमेशा मेरे साथ रहा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहा हमेशा। और मेरा यही फैमिली बैकग्राउंड मुझे जीवन में कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेट करता था और इसी मोटिवेट थिंग को फर्नीचर इंडस्ट्री में बिल्ड करने के लिए मुझे साथ मिला स्वाति इंटीरियर के श्री नंदकिशोर मिस्त्री जी का और उनके साथ मैं 2010 में सिल्वर फैक्ट्री आ गया। या उनके गाइडेंस में ऑटोकैड का और डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर सीखकर मैंने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया फर्नीचर के और साथ में पार्ट्स जनरेट करना भी सीखा और कुछ एडवांस वुडन वर्क मशीनों का भी नॉलेज लिया उनके साथ रह के। और इसी टाइम पीरियड में श्री नंदकिशोर जी के साथ रहकर मैंने वुड कोटिंग में भी काफी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किए और साथ में कुछ नई नई मशीनों को अपने वर्क में ऐड किया। आज मैं सिलवासा फैक्ट्री में रहते हुए साइट सर्वे, कैड ड्रॉइंग, प्रोडक्शन लिस्ट एंड वुडन प्रोडक्शन, वुड कोटिंग वर्क के साथ साथ आर्ट वर्क और डिजाइनिंग वर्क का भी काम कर रहा हूँ। यहाँ अच्छी क्वालिटी का वर्क कंप्लीट 100% वुड कोटिंग फिनिशिंग के साथ साइट पे भेजते हैं और साथ ही वुड वर्क एंड वुड कोटिंग वर्क में नए नए एक्सपेरिमेंट करके कुछ क्रिएटिव वर्क पर भी फोकस करते हैं जो हमारा हमेशा से मेन मोटो रहा है। यहाँ मैं अपने निजी अनुभव से बताना चाहूंगा कि युवाओं को जीवन में एजुकेशन का होना इम्पोर्टेंट है, उतना ही अपनी स्किल का भी होना भी इम्पोर्टेंट है। स्किल से आप जीवन में सर्वाइव कर सकते हैं जिसमें आपकी एजुकेशन इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपकी हेल्प जरूर करती है। हर युवा को एजुकेशन के साथ बचपन से ही अपनी खुद की स्किल डेवलप करते रहना चाहिए जो लाइफ में आगे जाके बहुत मोटिवेट करेगी आपको। आज देश के युवाओं के लिए स्किल इंडिया योजना है जो उनको कुशल बनाकर उनके लिए रोजगार के अवसर दे रही है। वर्तमान में फर्नीचर इंडस्ट्री को देखें तो इसमें युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ स्किल डेवलपमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, क्रिएटिविटी है, आर्ट है, क्राफ्ट है और फ्यूचर है। तो मैं आज के यूथ जनरेशन को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यू कनेक्ट, यू लर्न, यू वर्किंग स्टार्ट फॉर फ्यूचर इन फर्नीचर इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सरल और बहुत ही सीधे शब्दों के अंदर में श्याम जी ने अपनी बात रखी और बात कही कैसे उन्हें एजुकेशन के साथ साथ में स्किल का अलग अलग जगह पर फायदा मिला है। दोस्तों, खास बात जो समझने और जानने की आज इस सेशन के थ्रू ये भी है कि ये सब स्टोरी जो हम आपको बता रहे हैं ये वो लोगों की है जिन्होंने विदाउट एनी फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग, विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, विदाउट एनी गाइडेंस स्ट्रक्चर्ड स्किल टेस्टिंग इन द कंट्री अपना करियर बनाया है और अपने करियर को आज एक पायदान से कहां और लेके चले गए। जब हम इनसे कंपैरिजन में अगर बात करें तो आज की डेट में हमारे पास में स्किल इंडिया मिशन है, आज हमारे पास में स्किल इकोसिस्टम है, एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है जो उसके लिए काम कर रही है और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू हमें अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड करना चाह रही है जिससे हमारा करियर आगे बन सकता है और आगे हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जो डिफिकल्टीज या जो परेशानियां या जो लर्निंग कर करियर का आज शेयर की गई स्टोरीज का रहा है उससे कहीं फास्ट हमारा लर्निंग का और हमारा करियर ग्राफ हो सकता है अगर हमने इसे सही ढंग से इन अपॉर्चुनिटीज को टैप किया और हमने इसको सही ढंग से अपने जीवन में अपनाया। तो हमें जो जरूरत है वो एक सही स्किल को और एक सही हुनर को पहचानने की और हमारे टैलेंट को पहचान के उसको आगे बढ़ाने की है। इसी के साथ में मेरा अगला सवाल और अगले सेक्शन की तरफ मैं मूव करूंगा जो है करियर एंड बिजनेस काउंसलिंग से रिलेटेड।
अगर आज हम फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करें नंदकिशोर जी, तो मेजरली तीन भागों में कार्य को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला हो सकता है जो हम ऑन साइट पे करते हैं, जो कि काफी हद तक आजकल पूरा कार्य करने की जगह पर हम एक उसको भी कंसोलिडेट करते जा रहे हैं कि चीजें बाहर से आ रही हैं, सेमी मॉड्यूलर मॉड्यूलर फॉर्मेट में आ रही हैं और हम उसे ऑन साइट कर रहे हैं। तो ये एक डिविजन हो गया जिसे हम कहते हैं ऑन साइट वर्क करके जो हमारे पास कार्य या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, एक्सपर्टीज की जरूरत हो रही है, सुपरवाइजर हो गए। दूसरा है वर्कशॉप लेवल पे, जहां मैं एक छोटी वर्कशॉप के तौर पे अपना काम चालू कर सकता हूं, वहां पर भले मैं चेयर बनाने में स्पेशलाइज करता हूं या एक टेबल बनाने में स्पेशलाइज करता हूं, जहां मैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में भी जा सकता हूं और अपने कुछ लोगों के साथ में मिलते हुए काम कर सकता हूं। तीसरी अपॉर्चुनिटी होती है जिस हम सेगमेंट को कहें तो वो होगी फैक्ट्री में काम करने की। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आज हमारे पास में आ रही हैं और उन फैक्ट्रियों में स्पेशलाइज मशीनों पर काम करने की, जैसे अभी श्याम जी भी बता रहे थे और उससे पहले मांगीलाल जी ने भी इस बारे में चर्चा करी, चेलू भी जिस बारे में बता रहे थे कि वो किस तरह से एक्सपर्ट बने पैनल सॉ, बीम सॉ, एज बैंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन्स और सरफेस फिनिशिंग मशीन्स जो आ रही हैं, ये सारी मशीनें का इन्वेस्टमेंट जो होता है लाखों में करोड़ों में जाता है और इसे ऑपरेट करने के लिए भी जिस तरह से एक महंगी गाड़ी होती है उसी तरह से आपको एक ये महंगी मशीन है जिन्हें ऑपरेट करने के लिए भी आपको प्रॉपर समझ की जरूरत है। तो इन तीन सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, शुरुआत करें हम ऑन साइट वर्किंग से लेके ट्रेडिशनली और आज के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है और आपका क्या सजेशन रहेगा जो इस ऑन साइट वर्क के अंदर में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं, उसको और डेवलप करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। फिर हम अगला आएंगे वर्कशॉप और फिर फैक्ट्री की तरफ। आई थिंक अभी ऑन साइट जो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ऑन साइट जॉब्स करने के लिए। डेफिनेटली जो बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स है उस पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है जो 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, इनको लेके वो साइट ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें अभी अभी आने वाले टाइम में दिख रही है। और वहाँ से जब शुरू करो तो मेरे ख्याल से उनको मशीन्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी छोटी छोटी मशीन्स जो हैंड्स है, आप जब भी आप मशीन खरीदते हो तो कंपनी वाले आपको सपोर्ट भी देंगे कि आपको ये मशीन्स कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे काम करना है, तो ये हैंड टूल्स के ऊपर ध्यान देके वो लोग काम करना चाहिए। छोटा वर्कशॉप धीरे धीरे मेरे ख्याल से उनको कुछ छोटे वर्कशॉप्स रेंट पे लेके भी कुछ काम कर सकते हैं तो वो काम कर सकते हैं। इस तरह से मेरे ख्याल से वो आगे और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके अपना पूरा जॉब है वो कंप्लीट प्रॉपरली कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको मैं जानता हूँ, अगर कोई भी किसी को भी ऐसा कुछ गाइडेंस चाहिए वो मेरे को पर्सनली मेल करके पूछ सकते हैं कि ऐसी हमारी दिक्कतें आ रही है और पर्सनलाइज उनको क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं उनको सोल्यूशन दे दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि नंदकिशोर जी ने बताया आपको एक्सपर्ट एडवाइस डायरेक्टली मिल सकती है, हम अभी आपके साथ में चैट बॉक्स के अंदर में इनका जो ईमेल आईडी है वो भी शेयर करेंगे, जहां पर आप चाहें तो अपने परेशानियां जो आपको आ रही हैं कुछ काम करने में, चाहे वो ऑन साइट है चाहे किसी और चीज से रिलेटेड है, आप वो शेयर कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली उसकी एक्सपर्ट गाइडेंस और उसकी एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलेगी जो आप उसको आगे ले जा सकते हैं। जो आपने बात कही कि आज हम एक ट्रेडिशनल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को जो यूज करते हैं वो बात अच्छी है, वो बात सही है, लेकिन अगर हमें अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी है तो हमें हैंड टूल्स और इसको यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे चेंज लाया जा सकता है एक छोटे काम करने के ऑपरेशन में। एक वर्कशॉप के तौर पे जैसा देखा जा रहा है, कहा जाता है कि हिंदुस्तान बेसिकली एक वर्कशॉप का देश है, ये बड़ी फैक्ट्रियों का नहीं है, वर्कशॉप का देश है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी तरह भिन्न भिन्न प्रकार के चीजें बनाई जाती है, इतने प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कि हर इंसान स्पेशलाइजेशन जाता है, कस्टमाइजेशन जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आज एक वर्कशॉप लगाने में एंथुजियाज्म रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ, तो मुझे क्या स्टेप्स लेना चाहिए या मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए कि मैं अपनी वर्कशॉप को प्रॉपर वे में चला सकूं? क्या मुझे पहले किसी के साथ कार्य करना चाहिए थोड़ा बहुत, या फिर मुझे अपनी वर्कशॉप के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हुए चले जाना चाहिए? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोग एक चक्के में फंस जाते हैं, पैसा लगाते हैं और अटक जाते हैं, तो किस तरह से हम उससे बेहतर डील कर सकें? वर्कशॉप जो है जैसे मीडियम इन्वेस्टमेंट की बात हम कहें तो उस विषय में थोड़ा सा बताएं और जानकारी दें। मीडियम इंडस्ट्री में जैसे मशीन्स और है, जब आप मशीन्स और इनके साथ आप काम करते हो तो मेरे ख्याल अभी काफ़ी सारे गवर्नमेंट सपोर्ट्स है, काफ़ी सारी मशीन कंपनीज है जो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प करते हैं।
आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप कुछ मशीन्स भी ले सकते हो, अपने स्टार्टअप्स को और बेटर भी कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज है जो आपको, कंपनीज है, गवर्नमेंट है, सभी लोग इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े हैं आज की तारीख में, तो वो सपोर्ट सब लोग ले सकते हैं। नंद किशोर जी ने आपसे ईमेल आईडी एक शेयर किया है, आप इस ईमेल आईडी के थ्रू, जो लोग फेसबुक के थ्रू जुड़े हुए हैं, ईमेल आईडी है career@swatiinterior.com, आप इसके थ्रू अपने जो भी क्वेश्चन और आंसर हैं डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं और आप इस बारे में और जानकारी ले सकते हैं कि आप किस तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि आज के इंटरेक्शन के अंदर में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना मुश्किल रहेगा और उसके आंसर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हैं तो आप वो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी अपने शेयर कर सकते हैं और आप उसका सुझाव हासिल कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल रहेगा, एक फैक्ट्री के अंदर में जब हम बात करते हैं तो फैक्ट्री में आज किस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, कुछ अगर हम उस बारे में बता सकें, जॉब रोल्स के बारे में बता सकें कि क्या तरह के जॉब रोल्स आज फैक्ट्री में क्रिएट हो रहे हैं जिसके लिए लोग, जो स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली है और वो ये नहीं सोच पा रहे कि इंजीनियरिंग एक आपके माइंड को डेवलप कर चुकी है ऑलरेडी, आपको दिमाग को कहीं और लगा के यूटिलाइज किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने जिस फील्ड के अंदर किया उसी के अंदर आपको करना जरूरी है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको ऑलरेडी हो चुका है, आपको इम्प्लाय और इम्प्लीमेंट उसे कहीं और करना का ऑप्शन भी क्रिएट हो सकता है, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अपॉर्चुनिटीज आज फैक्ट्रीज में क्रिएट हो रही है काम करने की उसको लेते हुए? मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस, मैंने काफी सारी ऐसी कंपनीज देखी है जिन्होंने, जिनके पास अच्छी खासी फंडिंग्स है, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनका फोकस जो है वो फर्नीचर मार्केट को केटर करने के हिसाब से, वहाँ पे मैंने देखा है कि उनको चैलेंजेस जो फेस करते हैं वो है स्किल लोगों की चैलेंजेस, स्किल लोग नहीं है या समझने वाले लोग नहीं मिलते हैं, मशीन सब है उनके पास लेकिन वर्किंग मेथड को अडॉप्ट करते करते बहुत टाइम लगता है उसमें, तो जिसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ लीडरशिप, राहुल आपकी लीडरशिप के अंडर में ऐसी कंपनीज के साथ कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जो उनकी कंपनी के अंदर उनको खुद को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर्स खुद को बनाने चाहिए, बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है मार्केट के अंदर जिनको स्कूलिंग्स शुरू करनी चाहिए प्रॉपर, हर एक स्टेट में उनके स्कूलिंग्स होनी चाहिए जिससे हर एक इंडस्ट्री को ट्रेंड प्रोफेशनल्स मिले, मशीन्स वालों को भी अपने पास ऐसे सेंटर्स कंपलसरी होने चाहिए जहाँ पे वो लोग मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, एवरी ईयर कमिटेड लोग बाहर दे रहे हैं कि हमने ये मशीन के ऊपर 15 लोग 20 लोग को एवरी मंथ, हर महीने हम 5 लोगों को ट्रेन कर दें या पूरे साल में हमने 50 लोगों को ट्रेन किया है, उनको काम कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ ट्रेन करना है, तो पूरी इंडस्ट्री को मिलके ये स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। मेरी फैक्ट्री में मुझे मेरे हिसाब से, मेरे काम के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, दूसरे जो पैनल प्रोसेसिंग का काम करते हैं उनके फैक्ट्रीज के अंदर वो ट्रेनिंग प्रोसेस होना चाहिए कि वो भले अपनी फैक्ट्री के लिए नहीं लेकिन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने हर साल 25-50 लोग को तैयार किया है, अब वो यूटिलाइज कर सकते हैं या अगर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं तो वो भी उनको ट्रेन करके भेज सकते हैं, हर मशीन की कंपनी हैंड टूल से लेके बड़ी CNC मशीन तक जो भी मशीन्स है उनको भी ये कमिटमेंट देना चाहिए कि हम हर साल 25-50 लोग को तैयार कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन मार्केट में कहाँ है क्या नहीं है वो स्ट्रैटेजी जब हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में मैच होगी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि हमको सर ये सीखना है, यहाँ पे कंपनीज आ रही है कि हमको सर यहाँ पे इतने लोग चाहिए, तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी में आज हमारे बहुत सारे बहुत चैलेंज फेस करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, जो सॉफ्टवेयर हम खरीद लेते हैं लेकिन उनके हमारे को ऑपरेटर्स नहीं मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने खरीदे और ऐसे कैसे पड़े क्योंकि उसके ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, उनके प्रोग्राम्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक इंडस्ट्री को जो मशीन बेच रहा है, जो ग्लू बेच रहा है या जो टूल्स बेच रहा है वो हर साल अपने कमिटेड कंपनीज के अंदर इतने लोगों को तैयार करे,
as a commitment to our industry. क्या काफी अच्छा आपका जो थॉट है एंड मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा बढ़ाते हुए बिफोर वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द शो बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को भी सुनने वालों को भी जो आज अलग अलग सेगमेंट से आए हुए हैं कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं कुछ लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं कुछ लोग हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं कुछ लोग हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग इकोसिस्टम से भी जुड़े हुए हैं जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह साथ में करते हैं शुरुआत इस डायरेक्शन में हो चुकी है स्किल इंडिया मिशन के तहत काफी कुछ कार्य हो रहा है जिससे इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है इंडस्ट्री के साथ में मिलकर प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जो कई लोग नहीं जानते हैं वो इस बात से मैं आज उनके अवगत कराना चाहूंगा बताना चाहूंगा कि स्किल इंडिया मिशन के थ्रू ना केवल कैंडिडेट ही नहीं जो सीखना चाहता है उसके लिए फायदा है जो सिखाना चाहता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो फैक्ट्रीज ऑलरेडी ट्रेडिशनल वे में ऑर्गेनिक वे में एक ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है बिना अप्रेंटिसशिप मॉडल के बिना एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉडल के उनके लिए भी एक बिजनेस केस बनता है कि आज आप इस अपॉर्चुनिटी का जो कि स्किल इकोसिस्टम आपके लिए लेकर आई है फायदा उठाएं और उसी के साथ में उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए या तो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बना सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स है आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं आप अपनी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को एक जगह पर दे सकते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह से हम हमारा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट देते हैं और दो महीने में तीन महीने प्रोडक्शन होता है उसी तरह से हम एफएफएससी के थ्रू एफएफएससी के माध्यम से हमारी रिक्वायरमेंट जो आपकी चाहे वो जॉब रिक्वायरमेंट है चाहे आपकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है उसको एक जगह कंसोलिडेट कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ में उसे मैच कर सकते हैं तो जैसा हम बोलते हैं कि monster.com naukri.com की तरह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उसी तरह से ये रोल आपके लिए एफएफएससी प्ले कर सकता है अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू और ऐसा ही एक इनिशिएटिव लेकर जो कि जरूरी है आज हमारे इंडस्ट्री के लिए और जरूरी है आज एक अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मली स्ट्रक्चर्ड सेक्टर के लिए कि हम स्किल्स की सही पहचान नहीं कर पाते हैं आज भले मेरे में हुनर है मेरे में स्किल है लेकिन मैं उस स्किल की सही पहचान नहीं जानता हूं उससे क्या होता है कि भले मैं आज 10 साल से 15 साल से काम कर रहा हूं लेकिन मैं ये नहीं बता पाता हूं सामने वाले को कि मैं क्या हुनर है जब तक मैं काम करके ना दिखाऊं तो इस गैप को इस प्रायर लर्निंग्स जो हमारे में एग्जिस्ट करती है उसे सर्टिफाई करने के लिए उसे जानने के लिए हमने एक मुहिम चालू करी है जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काफी सालों से चले भी आ रही है जिसे कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग हमने इसी का एक रूप बनाते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे हम कहते हैं मेरी स्किल मेरी पहचान जिसके तहत अगर आज आप में कोई हुनर है तो आप उस हुनर के बारे में उसकी सही जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में सही पहचान कर सकते हैं और उसका इंडस्ट्री में क्या मापदंड है इंडस्ट्री उसे कैसे पहचानती है उस बारे में भी आप साझा कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं और वो स्किल और उस जानकारी के बारे में प्राप्त करने के बाद में अगर किसी आप कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आप सही जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत हमने 30,000 वुडवर्किंग सेगमेंट के लोगों से मुलाकात करी उनसे जुड़े उन्हें हमने एनरोल किया और उनमें से 15,000 लोगों को हम लोग ऑलरेडी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर पाए हैं इसका फायदा क्या मिला है इसका फायदा ये मिला है कि हमने रिसेंटली एक वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव करी हमारी इच्छा थी कि हम रेगुलर फॉर्मेट में इस इवेंट को कर पाते लेकिन हमें वर्चुअल फॉर्मेट में करना पड़ा कोविड के चलते उसमें 300 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम इंडस्ट्री जो नौकरी के अवसर उन्हें देना चाहती थी हम वो अवसर उन सर्टिफाइड लोगों तक पहुंचा पाए और क्यों पहुंचा पाए क्योंकि उन लोगों का पहचान प्रॉपर हम कर पाए थ्रू द रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम तो हम जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है हम उन्हें भी ये बताना चाहते हैं कि आगे से आगे वो इस प्रोग्राम का फायदा उठाएं और आगे से आगे जुड़ें ताकि वो सही स्किल की पहचान भी कर सके सही स्किल को ले भी सके और उसके आगे बढ़ सके नंद किशोर जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि किस तरह से आज फैक्ट्रीज को बिजनेस ओनर्स को ट्रेनिंग सही प्रोवाइड करने की जरूरत है मैं कई बार ये एग्जाम्पल लेता हूँ और कई बार मैं एग्जाम्पल शेयर भी करता हूँ लोगों के साथ में मेरे डिस्कशन के अंदर में जो मैं आज भी करना चाहूंगा कि स्किल ट्रेनिंग के लिए का को जो सबसे सिंपल समझने की तरीका उसका वो ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए और मेडिकल कॉलेज में सही स्टूडेंट्स तैयार करने के लिए एक हॉस्पिटल का होना जरूरी है सिमिलर वे में एक ट्रेनिंग सही हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास में एक चलती हुई वर्कशॉप है चलती हुई फैक्ट्री है चलती हुई ऑनसाइट फैसिलिटी अवेलेबल है क्योंकि जब तक हम स्किल बेस्ड कार्य को खुद नहीं करते हैं खुद हम उसे अपने हाथों से करके नहीं देखते हैं समझते नहीं है लाइव एनवायरमेंट में देखते नहीं है हमारे सीनियर को काम करते हुए तो हमें सीखने का मौका उतना नहीं मिल पाता और हम उस स्किल में उतने निपुण नहीं हो पाते तो सुनने वालों से भी यही दरख्वास्त रहेगी कि जहां पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ ट्रेनर या एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
आप प्लीज उसके अंदर में जुड़े साथ में और उसके साथ में हमें इस मुहिम के अंदर में आगे से आगे ले जाने में फायदा प्रोवाइड करें। मेरा आखिरी सवाल उसके बाद में हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए ऑडियंस के खोलेंगे एंड नंदकिशोर जी आपसे रहेगा कि इस मुहिम में मैं जब आपके यहाँ भी आया था मैंने देखा था कि आपकी रुचि थी, आपने एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सा ट्रेनिंग सेंटर बनाने के ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने ऐसा क्यों सोचा है और अपने उस बारे में कहाँ तक बात पहुंची है थोड़ा उस बारे में बताया और आपका विजन क्या है उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के ऊपर करेंगे। आपका एक मैसेज हम ऑडियंस के लिए भी चाहेंगे और जो लोग भी फर्नीचर इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं वो मैसेज भी हम आपसे सुनना चाहेंगे, उसके साथ में फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड ओपन करेंगे। आई थिंक एकदम सिंपल वे में आंसर करूंगा इसको। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि सीखो और सिखाओ, तो भी हम आगे ऐसे बहुत पुराने पुराने कारीगर भी बहुत एक नंबर कारीगर होते थे जो हमेशा अपना हुनर अपने पास ही रखते थे और किसी को नहीं सिखाते थे, ऐसे भी बहुत कारीगर थे पहले। बट मेरे हिसाब से इसको हम थोड़ा चेंज करके यही वर्ड यूज करें कि हम खुद सीखें और हम आगे सिखाएं और आगे से आगे सीखते रहो और आगे से आगे सिखाते रहो। That's the purpose of having a training center. बहुत ही कम शब्दों में बात अगर कंप्लीट की जा सके तो कर दी जाए और उन्होंने बिल्कुल ही वही किया है, आगे से आगे सीखते रहे और आगे से आगे सिखाते रहे। आई थिंक सो अगर हमने ये मिशन लेते हुए चला, दो तीन की फैक्टर्स हम मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें पुराने टूल्स और पुराने ज्वाइनरी वर्क को इंट्रोड्यूस करूँ इस ट्रेनिंग सेंटर में, तो ना कि सिर्फ हम पैनल प्रोसेसिंग नहीं सीख रहे हैं, हम दूसरी भी चीजें सीख रहे हैं जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है, हमारा पुराना आर्टवर्क है, ये सब चीज भी वो वहां पे सीख सकते हैं। Definitely. देवेश, इसी के साथ में मैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की तरफ जाना चाहूंगा। क्या आप क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं जो लोगों ने पूछा है? आई सी क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव पुट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, कुछ लोगों ने जेनेरिक क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोगों ने आपकी फैक्ट्री विजिट करने की इच्छा भी जताई है जो आपके साथ में डायलॉग एडिशन के साथ में आपकी कंपनी के साथ में पहली बार जुड़े थे। जी देवेश, राहुल विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस व्हिच हैज कम फ्रॉम आवर फेसबुक लाइव फर्स्ट। ओके, आई जस्ट there's a question from Mr. Dhananjay Sardesh Pandey. He's asking that furniture design and manufacturing should not be restricted to traditional communities. It is now such a scientific and organized skill and business. Why are educated youth, engineering, design and students are not being the part of it? Can you repeat the question? Why engineer? Educated youth like engineering student, designing students are not willing to be a part of it, and why we are not promoting them? Or we should look to promote them to come into this furniture sector? Of course, there is no reason for that. In some way, everybody can join this. Engineers, there are sometimes a lot of things that an engineer can do what a carpenter can't do. If there is a talent and if there is a willingness of them to join the furniture industry, 100% they can join the furniture industry. And I don't see that being a challenge. We have a lot of civil engineers working in our company. We have a lot of mechanical engineers working in our company. We have software engineers working in our company. We have many kind of engineers we have working in our company, and I don't see that as a challenge. Anybody who is interested to join in the furniture industry or a construction industry, they are always welcome. ये बात awareness को लेके भी काफी रही है कि लोगों के बीच awareness कम है। मेरा मानना ये रहा है कि हमने जब पर्सनली भी हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर में इस अपॉर्चुनिटी को रखा, तो पहले साल का एक्सपीरियंस
कुछ लोगों ने ज्वाइन किया जो थोड़े एंथुजियास्टिक थे कि हाँ हमें कुछ अलग करना है, बट जब उनकी सक्सेस को देखा गया तो आगे वाले सालों के अंदर में काफी लोगों का रुझान रहा कि हम भी सेक्टर के अंदर में ज्वाइन करें। तो ये शायद अवेयरनेस को ही लेते हैं, तो ये शायद जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इस अवेयरनेस को आगे से आगे बढ़ाते रहें और फैलाते रहें। जी देवेश, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन राहुल, शायद ये एफएफएससी के लिए है, हमारे लिए है। जी हाँ, बाय धनंजय सरदेश पांडे अगेन। फर्नीचर मेकिंग स्लेबस इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर होपलेसली आउट ऑफ डेट, व्हाट द एफएफएससी इज डूइंग टू टैप दिस कैप्टिव ऑडियंस? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज की डेट के अंदर में। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे जिस तरह से, तो शायद आईटीआई एक ऐसा माध्यम था जहां पर कारपेंटरी का कोर्स चल रहा था, और शायद इकलौता कोर्स ही था जो फूड वर्किंग या फर्नीचर रिलेटेड हम बोल सकते हैं। और अगर हम कारपेंटरी को भी सही मायने में समझने जाएं तो कारपेंटरी इज वन एलिमेंट ऑफ द वुड वर्किंग ओवरऑल विच इज अ बिगर सेगमेंट। अगर आज आप वर्ल्ड स्किल्स के, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेते हुए बात करता हूँ, तो ज्वाइनरी एक अलग स्किल है जिसके अंदर में बिना आपके आर्किटेक्चर हार्डवेयर या फिटिंग्स को यूज करते हुए आप वुड को ज्वाइन करते हुए काम करते हैं, और काम आप चीजें बना सकते हैं जो आपके चेयर्स बन रही हैं, चाहे आपका टेबल्स बन रही हैं, आप उसको बना सकते हैं। वो एक अलग सेगमेंट है ज्वाइनरी से बोलते हैं, वो भी वुड वर्किंग का ही पार्ट है, वो अलग सेगमेंट है जिसका कारपेंटरी से थोड़ा सा कार्य अलग रहता है। अगर हम कैबिनेट मेकिंग की बात करते हैं तो कैबिनेट मेकिंग एक अलग सेगमेंट हो गया जिसके अंदर में आप कैबिनेट कैसे बना रहे हैं, चाहे वो लकड़ी को यूज करके बना रहे हैं, प्लाईवुड को यूज करके बना रहे हैं, चाहे आप रॉ मटेरियल आपका एमडीएफ है, पार्टिकल बोर्ड है, उसको लेते हुए बना रहे हैं। तो ये सब अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। जैसा मेडिसिन में होता है कि डेंटिस्ट अलग है, कार्डियोलॉजिस्ट अलग है, गायनेकोलॉजिस्ट अलग है, उसी तरह से इस फील्ड में भी अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग चीजें हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, और इसी समझ को सही ढंग से दर्शा सके ताकि सही ढंग से इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बन सके, इसके लिए एफएफएससी कार्यरत है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा कि सबसे पहला कार्य जो रहता है स्किल काउंसिल का, वो ये है कि इंडस्ट्री को एक ऑर्गेनाइज किया जा सके, इंडस्ट्री को एक प्रॉपर वे में हाईलाइट किया जा सके। कैसे करते हैं हम वो, ये कि हम इंडस्ट्री का, जैसे कोई भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब रोल्स की जानकारी देता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जानकारी देता है, उसी पर्सपेक्टिव से आज स्किल काउंसिल एक इंडस्ट्री का ऑक्यूपेशन मैप बनाती है जिसमें अलग अलग जॉब रोल्स के बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि अब हर एक चीज को केवल एक ही नाम से संबोधित ना करें, आइडेंटिफाई ना करें, और आप समझे नहीं भाई यही अपॉर्चुनिटी है, जिस कारण से कई बार अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो जाता है। तो ये सबसे पहला और सबसे अहम कार्य है जो हम कर रहे हैं कि अगर ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड सही तरीके से जाना जाएगा किसी भी जॉब को लेकर, तो आप उस बारे में सही ट्रेनिंग या सही जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मुहिम है जो कि आज स्किल काउंसिल कर रही है। इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। सुनने वाले लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और इस ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि ये जॉब रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आज अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप ट्रेनिंग एक जनरिक ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं कि मैं आज एक असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता हूँ, तो मैं उस काम को इंडस्ट्री में कैसे करना है उस बारे में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि स्किल काउंसिल स्किल इकोसिस्टम के माध्यम से कर रही है, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रही है वो इस तरह से बना रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आज एक स्किल काउंसिल क्रिएट कर रही है। आई होप देश पांडे जी का ये क्वेश्चन का आंसर हम कर पाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कुलवंत जांगड़ा जी की तरफ से। कुलवंत जांगड़ा जी सेइंग दैट ही वांट टू लर्न सीएनसी ऑपरेशन एंड ऑटोकैड, सो प्लीज सो ही रिक्वायर आवर गाइडेंस ओवर इट, एंड ही इज एसोसिएटेड विद एफएफएससी एज अ फ्रीलांस असेसर एज वेल। Can you repeat the question? He want to learn CNC operations and AutoCAD and require our guidance over it from where he can learn it. Okay. So, इसके लिए हमारे पास में कई options available हैं। अगर आप चाहें तो आप company में internship की तरह join कर सकते हैं, apprenticeship की तरह join कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सही company से connect कर सकते हैं। तो आप definitely FFSC के career division से contact करें और इस बारे में details आप share करें कि आप अभी तक क्या जानकारी हासिल करी है, क्योंकि एफएफएससी बेसिकली एक इंडस्ट्री लेड बॉडी है। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ में जुड़ी हुई हैं और हम आए दिन और इंडस्ट्रीज को इसके इस इनिशिएटिव में जोड़ रहे हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या उनकी जो स्किल वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है या उनके पास में जो आज हमारे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है,
हम उनके साथ में आपको जोड़ सकते हैं और हम आपको एक सही डायरेक्शन दिलवा सकते हैं. तो आपका जो इंटरेस्ट आपने शोकेस किया है इन प्रोग्राम्स के थ्रू, हमारा यही इनिशिएटिव है कि हम उस रिक्वायरमेंट को या उस जानकारी को सही तरीके से मैप कर सकें इंडस्ट्री के साथ में. तो डेफिनेटली आप अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करें कि आप सीएनसी के अंदर में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिन कंपनियों के साथ हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, अप्रेंटिसशिप है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हम आपको उनके साथ में रूबरू कराएंगे और उनके साथ में आपको जानकारी और ट्रेनिंग और करने का मौका प्रोवाइड करवाएंगे. अगला सवाल हमारा निमेश सुथार जी की तरफ से है, ये नंद किशोर जी के लिए. व्हाट्स द स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन फर्नीचर इंडस्ट्री? गुड स्कोप. देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ई कॉमर्स बिकॉज यू, जब हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, तो आप इनोवेट कर रहे हो, इनोवेट कर रहे हो उसी टाइम पे आपको ई कॉमर्स की भी जरूरत पड़ेगी जब आप मार्केट करके आपको सेल करना है प्रोडक्ट को. और काफी सारी कंपनीज है जो ऑर्गेनाइज वे में काम करना शुरू कर रही है, जिसमें वो अपने प्रोडक्शन को लेके, अपने सेल्स को लेके, हर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं. तो आई थिंक देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ ई कॉमर्स इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो. सर नंदीशोर जी, अगला सवाल फिर निमेश सुथार जी की तरफ से है. आफ्टर रिलायंस वुड, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ फर्नीचर सेक्टर? इसके बारे में मैंने अभी स्टडी नहीं किया, रिलायंस वुड क्या है और कैसा है. बट मैंने जस्ट अभी रिसेंटली सुना है लॉकडाउन के अंदर कि रिलायंस इज इंट्रोड्यूसिंग सम वुड, बट आई हैव नॉट सीन दैट एंड स्टडीड अबाउट इट. एक चीज मैं आपको हमेशा बोलूंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हमेशा हमेशा से आए हैं और हमेशा से रहे हैं कि जो वुड का ऑल्टरनेटिव, वीनियर का ऑल्टरनेटिव, प्लाईवुड का ऑल्टरनेटिव, बट जो सॉलिड वुड, जो लोग सॉलिड वुड यूज करेंगे वो हमेशा सॉलिड वुड ही यूज करेंगे क्योंकि उसका चार्म अलग है, इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट. निमेश ने जो सवाल पूछा था ई कॉमर्स को रिलेटेड, मैं उससे उसके ऊपर में थोड़ा सा और जानकारी शेयर करना चाहूंगा क्योंकि प्लेटफॉर्म जानकारी एक्सचेंज करने के लिए भी है. अगर आप देखेंगे तो 10 साल पहले अगर आप फर्नीचर के ऊपर में रिसर्च करते तो शायद आपको कोई ब्रांड नेम नहीं मिलता, आपको कोई ऐसा नहीं पता पड़ता कि ये चेयर इस पर्टिकुलर ब्रांड से बन के आई है. कुछ ही गिने चुने ब्रांड थे जो थे, जैसे गोदरेज की अलमीरा अगर हम बोलते हैं, नीलकमल की चेयर हम बोलते हैं, तो ये बहुत सालों से चली आ रही. बट गए 8-10 सालों के अंदर में फर्नीचर इंडस्ट्री को एक मार्केटिंग फेस मिला है, वो मिला है ई कॉमर्स के चलते. आज हम बात करते हैं ब्रांड्स लाइक लिव स्पेस, ब्रांड्स लाइक पेपर फ्राई, अर्बन लैडर, वुडन स्ट्रीट, ये ब्रांड्स कहाँ से आई है? इन्होंने जो फर्नीचर बनते आया था या जो फर्नीचर बन रहा था उसे एक अलग माध्यम से, एक अलग फॉर्मेट के अंदर में आज ऑडियंस को प्रेजेंट किया है, आज एक कस्टमर बेस को प्रेजेंट किया है, जिसका फायदा आप देख सकते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी के साथ में आज लोग ब्रांड के तौर पर फर्नीचर खरीदना चाहते हैं. इसी के चलते चलते और भी दूसरे लोग डिजाइनर ब्रांड्स के साथ में मार्केट में एंटर करें. तो अगर आज आप एक सिंपल चीज से भी चालू करते हैं कि मैं आज केवल चेयर बनाने में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपनी चेयर की ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो आज आप वो भी कर सकते हैं. बेंट चेयर इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. तो ई कॉमर्स का स्कोप डेफिनेटली बहुत रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में. तो आप अगर जुड़ना चाहें, एक किसी और क्वेश्चन आंसर राउंड में मैंने किसी और का भी क्वेश्चन देखा है कि हम एक बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं और हमें बेसिक्स की तरफ ध्यान देना जरूरी है, तो हमने छोटी स्केल से भी अगर शुरुआत करी है और हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए कि मैंने आज के लिए एक चेयर बनाने की स्किल सीख ली है और मैं उसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तो स्पेशलाइजेशन का मेरे अंदर में बहुत स्कोप है जिसे मैं ई कॉमर्स के थ्रू आगे एनहांस कर सकता हूँ. तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं. जी देवेश, अगला सवाल नहीं है, इट्स अ सजेशन फ्रॉम धनंजय सरदेश पांडे ऑफ वुड न्यूज मैगजीन. ही इज ऑफरिंग टू होस्ट लिस्टिंग ऑन जॉब स्किल करियर अपॉर्चुनिटीज इन फर्नीचर इंडस्ट्री ऑन इट्स वेबसाइट अलॉन्ग विद FFSC. So he's seeking our opinion on that. I think so. This would be a really great initiative and ये बहुत ही अच्छा बात रही है और I think so ये हमारे लिए भी success की बात रहेगी कि इस माध्यम से जो हम आपसे जुड़ पाए हैं और आपने इस तरह का सुझाव रखा है, हम डेफिनेटली इसको आगे ले जाना चाहेंगे. मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके बारे में हमने अभी रिसेंटली जो वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव करी थी उसके माध्यम से भी हम जो आगे बढ़ पाए हैं, हम साथ में जुड़ के इस बारे में और आगे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और हम जो अपॉर्चुनिटी है उसे ले जाने का जो मीडियम रहे वो अच्छा रहेगा. तो वी डेफिनेटली वेलकम देशपांडे जी आपके सजेशन को और हम इसको आगे बढ़ाने की
चर्चा ऑफलाइन डेफिनेटली आपके साथ में करेंगे। अगला सवाल है निकेश सुथार जी की तरफ से और ये नंद किशोर जी के लिए है। डू वी स्टिल हैव अ स्कोप टू हैव अनदर कंपनी लाइक अर्बन लैडर? व्हाट चैलेंजेस दे हैव फेस्ड? What challenges they have faced, I don't see. I don't know what challenges they have faced, but there are. You can start with small, and you can grow slowly. Slowly, you can build your company. Sometimes when you are doing too much, you miss what is there. So definitely, you can do with smaller manufacturing companies, smaller workshops, and build an e-commerce and do a company like this. What Urban Ladder has faced, I have no idea. What challenges they have faced. I guess the next question is for both of you guys. It's from Mr. Bharat Pathak. वो ये कह रहे हैं कि हम चीनी सामान से कैसे लड़ सकते हैं? Innovation, quality, and service. अगला सवाल, are technology based companies only going to survive or still traditional companies are? ये चीनी वाले मुद्दे पे मैं एक बात और एक मिथ है जो because we have lot to talk about busting the myths also through this session. देखिए हमें जानना होगा, समझना होगा कि अगर आज आप कोई बिजनेस चालू करते हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, उसकी सक्सेस इसलिए है क्योंकि आप कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। चाइना पिछले 25 से 30 सालों से केवल चाइनीज लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे समूचे देश विश्व को सप्लाई कर रहा है। अगर उनका काम इतना खराब होता है या फिर उनकी चीजें इतनी खराब होती तो शायद वो कार्य शुरुआत से कर ही नहीं पाते, क्योंकि कोई भी इंसान एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर वापस से उस दुकान पे जाके सामान नहीं खरीदता है, चाहे वो अपने जान पहचान वाले की दुकान के ही क्यों ना हो। तो अगर चाइना ये कर पाया है तो हमें समझने की जरूरत है कि चाइना ऐसा क्यों कर पाया है। अगर आज भी आप चाइनीज हिस्ट्री के अंदर में ज्यादा समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, उसके ऊपर काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं और काफी इसके ऊपर में टॉक शोज भी हैं, तो आप ये जानेंगे कि उन्होंने अपने स्किल के ऊपर में और अपने लोगों को ट्रेन करने के ऊपर में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। उनकी क्वालिटी, वो हर तरह का माल बनाते हैं। आज आपको सस्ता चाहिए सस्ता बनाते हैं, महंगा चाहिए महंगा बनाते हैं, मीडियम लेवल का चाहिए मीडियम लेवल का भी बनाते हैं, लेकिन उन्होंने उस काम को बनाने की एक्सपर्टीज जो है अपनी जनरेशन के अंदर में जैसे ब्लड में डालते हैं वैसे डाल दिए, और वो पिछले 25 सालों से इस काम के अंदर में लगे हुए हैं। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज ना सिर्फ चाइना बल्कि बाकी देश भी प्रॉपर वे में स्किलिंग सिस्टम के अंदर में इन्वेस्ट करे हुए हैं और अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपने स्किलिंग के थ्रू, अपने ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू लोगों को पिछले 25 से 30 सालों से ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल वीडियो के तौर पे आपके साथ में भले चैट बॉक्स में शेयर करना चाहूंगा कि जर्मनी इस मॉडल को कैसे अगले पिछले 40 से 50 सालों से चला रहा है, कनाडा इस मॉडल पे पिछले 30 से 40 सालों से चल रहा है, तो आज हमारा देश में भी इसकी जरूरत है। तो अगर आपको इसे फाइट करना है तो आपके पास में सही स्किल सेट होने का अलावा और मेहनत सही लेवल पे करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक आपको, जैसा कि नंद किशोर जी ने भी बिल्कुल एक सटीक शब्दों में कहा, क्वालिटी अगर हम वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये कंपटीशन चाइना से नहीं है, कंपटीशन पहले खुद से है और हमें अपने आप को देखते हुए देखना पड़ेगा कि अगर आज हम लेवल 5 पे है तो हमें लेवल 6 पे कैसे जा सकते हैं, 6 पे तो 7 पे कैसे जा सकते हैं। अगला सवाल, आर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज ओनली गोइंग टू सर्वाइव और स्टिल ट्रेडिशनल कंपनीज आर आल्सो डूइंग गुड? आई थिंक देयर इज इन दिस मार्केट वी हैव all sorts of opportunities. ऐसा नहीं है कि ये चलेगा तो ये बंद हो जाएगा या ये नहीं चलेगा, ऐसा कुछ मार्केट में है नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। आज अगर हम बोलते हैं कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, जब भी हम बोलते हैं जैसे तेल साबुन या ये सब चीजें जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बोलते हैं, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री है फर्नीचर। आज आप कोई भी घर ले लो, आपके घर के अंदर जो वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट देखोगे तो फर्नीचर सबसे ज्यादा होता है। फर्नीचर, डोर, टाइलिंग, एक हाउस, सबसे पहले आदमी सोचता है कि मैं घर बनाऊं, घर के साथ सोचता है मैं कुछ फर्नीचर डालूं। तो भले वो फर्नीचर चाहे एकदम सस्ते से सस्ता क्यों ना हो और महंगे से महंगा क्यों ना हो,
तो ये ट्रेडिशन चले नहीं चले, ऐसे ऐसे हम नहीं बोल सकते कि ये चलेगा और ये बंद हो जाएगा। हर काम बड़ा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन के साथ में रिक्वायरमेंट भी ग्रो हो रही है। Next question is from Saurabh Soni. He's saying that as a startup, sometimes it's hard to find skilled craftsmen. What's the solution to it? The solution to it is you have to develop your own skill. You have to develop your people. आपको हमेशा वही आदमी आपको हमेशा ज़्यादा support करेगा जिसको आप train करते हो। Definitely. अभी हमारे कंपनी में जैसे आपने वीडियो प्ले किए, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे मतलब मेरे पिताजी ने जब ये कंपनी शुरू की अभी 4 लोग थे और आज हम 2000 लोग हैं। तो हमको रोज हर आदमी को हाथ पकड़ के काम सिखाना पड़ता है। वो हमारा तरीका जब सीखेगा तभी हमारे लिए वो बेस्ट प्रोडक्शन दे सकता है। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू गेन देयर फेथ एंड ट्रस्ट ऑन कंपनी। 100% यू हैव टू ग्रो द स्किल इन योर ओन। First, you should know how you have to manufacture your product, and then you can teach your people how to produce this. And definitely, now we have a lot of technology, a lot of machines that you can incorporate. There are companies who will come and train your people that my product to be used like this. Isko aap aise use karo, isko aap aise use karo. It's not a big challenge, trust me. And coming to the next question, what will be the impact of COVID-19 or interior designing industry? I think everybody is discussing this point after COVID. After COVID, I think people have got a lot of time to think about the industry, about their work, about their jobs, about their career. And things definitely will be normal because we can't live in this virtual world. It's a physical work that we are into it. Without being on site, we cannot do virtually anything. The designers can design, visualize everything, but production, execution is a physical thing. So you have to be on site, you have to be in the factory, you have to be in the work mode, and then only you can do this. Definitely the things has to get normal. So now we'll come to the questions is raised on our Zoom session. There are many questions. Rahul, would you like to go? We can take last one question because we have come to the end of the and let's compile all the questions. और भी जिनके लोगों के questions हैं वो हमारे हमें email के through भेज सकते हैं. हम will try to answer all those questions and get it answered to the experts as well. Devesh, one last question that we would like to take from the question answer chat box, and then we'd like to. Yeah. I guess questions more or less we have answered in one or the another form. But one question from Pankaj Katyal, it's on veneering. How we can move forward in veneer pasting without using nail in veneer in the initial stage or temporary holding? That's something which has not been answered so far in any of the form. Is it pressing the veneer on sides or on in the factory? Because there are clamps available that you can use. There are a lot of companies who are offering these kind of clamps where you can do a pressing. Also, you can use hot press for pressing the veneer. So, okay, with that, There is one person has mentioned about the price, the salary of a skilled person, because it is very low. Why somebody would like to grow in this industry is a very interesting point. I would like to say that today an interior designer is also getting salary equal to the salary of a skilled carpenter, which is a very good thing in our industry. The level of skill salary has definitely been on a higher side than a professional accountant or a
Aura Interior Designer. This is the recent calculation that I have seen. So if somebody wants to grow in this industry, I don't see this as a challenge. What challenges I, in my generation or my father's generation, what we used to face is being a master carpenter is not a degree. Today, the government has given this opportunity to our industry by giving us a degree of B Voc or an M Voc, which is equal to a graduate in any sorts of industry. Today, being a doctor, being an engineer is same as being B Voc. So we should definitely utilize this opportunity which government has also given to us, which is a great thing. And there are quite a few centers who give you these degrees. Please try to find those colleges and join that. And there are 350 different trades that you can get a degree on. 350 trades is a very big thing, just for one degree. And I don't think any of this other industry would be having this. With that, I would like to thank you, Nandkishore ji, for spending Sunday morning with us, and also thank all the viewers jo subah subah aaj hamare saath 1.5 ghante tak jude rahe aur unhone hamare saath mein show ko अटेंड किया और जानकारी साझा करी और समझे भी कि क्या इस इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है. और बहुत अच्छा लगा हमें, कई जगह से मैसेजेस भी देख रहा था मैं, जैसे अभी बीच में आ रहे थे कि हम अटेंड नहीं कर पाए, आपने लिमिट रख रखी है वेबिनार के अंदर में, हम फेसबुक लाइव के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं. तो आपके इनपुट्स और सजेशन से ही हम लोग आगे और बेटर कर पाएंगे. हमारे लिए भी आज एक पहला एपिसोड रहा है इस मुहिम का, जिसके थ्रू हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोगों को, उनका एक्सपीरियंस के थ्रू आपके साथ में मोटिवेट करने के लिए लेकर आए हैं, या फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने के लिए लाए हैं, इस इंडस्ट्री के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने के लिए लेकर आए हैं. और आगे हम ये और अच्छा कर सकें, इसके लिए हमारी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप भी अपने सजेशन हमें दें. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू इम्प्रोवाइज एंड बेटर द फॉर्मेट. आने वाले सेशंस के अंदर में हमारी डेफिनेटली इच्छा रहेगी कि अगर कोविड हमें इजाजत दे तो हम लाइव फैक्ट्रीज भी आपको दिखा सकें, किस तरह से अलग अलग जॉब्स पे काम होता है, ताकि आपको और डिटेल में जानकारी मिले उस बारे में. साथ ही जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सैलरीज के ऊपर में था, जो कि वेजेस के ऊपर में था, देखिए एक बात मान के चलिए, रिसेशन नो रिसेशन, अगर आप में टैलेंट है तो आपके हुनर की सही पहचान है तो आपको सही उसके हिसाब से, मापदंड के हिसाब से हमेशा रेमुनरेशन मिलता है. और जहां तक की फर्नीचर इंडस्ट्री की बात रही है, मैं खुद आपको बता सकता हूँ एक्सपीरियंस के तौर पर कि गए 7 से 8 सालों के अंदर में बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, सैलरी लेवल्स आए हुए हैं, अलग अलग तरह के जॉब रोल्स के ऊपर में सैलरी पैकेजेस में इजाफा हुआ है, जिससे आज ये सेक्टर और ज्यादा लुक्रेटिव बन रहा है. और अगर आप में समझ है, आप में जानकारी है, आप में स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड की कोई कमी नहीं है, सप्लाई की डेफिनेटली कमी है. और इतनी इकोनॉमिक्स सब समझते हैं, जब डिमांड सप्लाई में डिफरेंस होता है तो सैलरियाँ या फिर आपकी जो रेमुनरेशन होता है वो हमेशा बढ़ता ही है अगर आप में टैलेंट है तो. राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली सेशन, एंड ऑल्सो विश हैज मेंशन्ड माय ईमेल आईडी career@swatiinterior.com. एनीबडी हैज, आई एम श्योर आई एम नॉट बीन एबल टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बट दे कैन पर्सनली ईमेल मी ऑन career@swatiinterior.com, and I would be happy to support each and every person in this industry. Thank you. Thank you, everyone. जैसा कि हमने आपको बताया था, हम लोग एक नई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिस इनिशिएटिव के तहत हम लोग आपके स्किल को की पहचान करना चाहते हैं, और आपके स्किल की सही पहचान होने के कारण आपको सही अपॉर्चुनिटीज के साथ में जोड़ना चाहते हैं. तो इसी प्रोग्राम के तहत जिसका हमने नाम रखा है मेरी स्किल मेरी पहचान, हम आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं आप क्या कार्य कर रहे हैं, ताकि हम इंडस्ट्री के द्वारा बताए गए जो जॉब रोल्स हैं और जो जो नॉमिनक्लेचर है उसके साथ आपको मैप कर सकें और उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे सकें. साथ ही साथ वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव्स हो रही हैं, जिसके बारे में हमारे चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल पे
भी जानकारी मिल रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां पर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देवेश जी ने आपके साथ में हमारा ईमेल आईडी शेयर किया है, आप उसके थ्रू हमारे से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारी आपसे कामना है। धन्यवाद।